राम राम प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो आज यहाँ की सर्दी बहुत कड़ाकेदार है, बहुत ही खतरनाक सर्दी है। हम गए थे संगम क्षेत्र घूमने उमने तो बहुत ज़्यादा ठंडा गए, तो आए हैं तो अजवाइन वाली कस्तूरी मेथी वाली और पूड़ी बनाए हैं और मटर आलू की सलोनी बनाए हैं। खूब एकदम झन्नाटेदार बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, तो समझ लीजिए कि इतना टेस्टी बनी है। चलिए फिर देखिए हम कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं। तो अब मेरे YouTube चैनल में आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें। फिर चलिए देखिए क्या क्या हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। चालू है, आज जानते हैं क्या बनाएंगे। सर्दी आज बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा ये नया मैंने मिक्सर लिया, वो वाला बहुत छोटा जार था तो मज़ा नहीं आता था, तो थोड़ा तीखा भी बनाएंगे और सर्दी बहुत है तो उसके हिसाब से बनाना है मुझे। मिर्चा लिया, धनिया लिया, खूब अच्छा से आलू मटर की दम सलोनी बनाएंगे और अजवाइन वाली पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि सर्दी ही एकदम कमर तोड़ी पड़ी है। धुल लिए हैं, सब धुल धाल के रख लिए हैं। सुन रहे हैं फेसबुक का, खाए बिन तो परेशान हैं ना, और नीचे से कुछ कांड करत हैं। ये हो गया, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। ये हल्का पानी डालेंगे, अब इसको मिक्सर में पीस लेंगे। और ये आलू ले लिया है, छोटा छोटा आलू, चूंकि बहुत टेस्टी होता है छोटा आलू। देखिए नज़दीक से, छोटा छोटा आलू ले लिया है। मटर ज़्यादा डालेंगे और इस आलू के थोड़े से कट लगा लेंगे, मतलब चार टुकड़े करेंगे आलू में। मैंने जानबूझ के छोटा टुकड़ा लिया था, अरे छोटे छोटे आलू लिया था, क्योंकि टेस्टी बहुत होता है छोटे आलू। बड़े आलू को लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, पर खाने में एक्चुअली जितने भी अनुभवी खाने के हैं, खाने के मामले में इसी को पसंद करते हैं, चाहे गर्मी हो। गर्मी में छोटी छोटी आलू भुजिया इतनी टेस्टी बनती है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसी तरह से कट कर लेंगे। आटा हमने मार लिया है, अजवाइन डाला है, थोड़े से सब्जी मसाला डाला है और थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और कस्तूरी मेथी डाला है, डाल के इसको मार लिया है। तो इसकी पूरी बनाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अजवाइन की मात्रा देखिए काफ़ी हद तक है। ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब अजवाइन है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है, अजवाइन का मात्रा हम ठंडियों में खूब सेवन करते हैं। अजवाइन मुझे खास करके पसंद है, अजवाइन डला हुआ चीज़ें। करारी करारी पूरी बनाते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, पूरा एकदम नाक को ठंडी होती चली जा रही है। तेल गर्माया जाए तो फिर अब इसमें तेल लगा के तभी बेलेंगे, क्योंकि बिना तेल के बेलने से क्या रहता है, परथन लगा के बेलने से तेल खराब हो जाता है, तेल ज़्यादा सूखता है। हम पूरी थोड़ी बड़ी बड़ी बनाते हैं। Thank you.
देखो फूलना चालू हो गई ना, अभी जगह में इनको भी डालेंगे। एक बार मैं पूरी बना रही थी, संगीता के जेठ आए हुए थे जो ख़त्म हो गए, पीएससी में थे वो, और वो जो दूसरे नंबर की बुढ़िया बुआ हैं पापा की, वो बेल रही थी, मैं तल रही थी और वो देख रहे थे। बुआ कहें कि कैसे तोर पुड़िया कुल एकदम डबाडब फूलत चली जाती, हमारे सबको फूलत ना है। तो उसका रीज़न है कि वो लोग थोड़ा सा ना हम लोग खरी खरी सेकते हैं, और आटा माड़ के जितना, मतलब कि जितना माड़ा रहता आटा उसी के हिसाब से फूलती है रोटी और पूड़ी। जबकि इसमें अजवाइन पड़ा है, कस्तूरी मेथी पड़ी है, इसको फूलना कम चाहिए क्योंकि बीच बीच में दो पार्ट हो जाते हैं ना, फिर भी उस हिसाब से देखो अच्छा फूली है। आवाज़ सुन रहा पूड़ी की, ठंड ठंड ठंड। अब एक पूरी टेस्ट लेके देखो कैसी लग रही है। इतना स्वादिष्ट एम्मी टेस्टी पूरी बनी है कि ये लग रहा है कि सालोनी रहन दे, सूखे सूखे पूरी खा लें, बहुत टेस्टी बनी है। इनके हमारी पूरी रेडी है, अब हम जा रहे हैं सालोनी बनाएंगे। पंडित जी तेल डालिए, हाँ ज़्यादा नहीं, डेढ़ चम्मच बस मात्र, हाँ बस डेढ़ के, अब दो डाल दिए और ये क्रश करके मेथी डालेंगे। अरे वो है कोहड़ौरी यार, इतना प्रेशर रहता दिमाग से। अब आप थोड़ी हल्दी उठाएंगे, हल्दी उठाएंगे, हाँ आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे। कटोरी हो गई है, डाल दीजिए, हाँ बस। अगर इसमें जानते हैं क्या डालेंगे, क्या डालेंगे बताइए। मटर उठाइए, मटर को डाल दीजिए। मटर डाल देते हैं, हाँ पूरी मटर डाल दीजिए। कितनी, एक किलो लाए थे? एक किलो मटर लाए, ठीक है। थोड़ा मटर का सीजन है, खा लिया, नहीं तो माघ मेला लगा, इतना महंगाई आई जाए ना कि आज से गर्मी मत है। नमक डालिए आप, करीब एक चम्मच फुल नमक डाल दीजिए। वो रहा जस्ट पीछे है। नमक तभी डाला हूँ इसमें, हल्दी डाले हैं। फिर नमक डालेंगे, फिर इस पर ढकेंगे ताकि ये मटर गलेगा, फिर इसके बाद दूसरी चीज डालेंगे। हाँ। अभी आप समझ गए, बड़े जल्दी समझ जाते हो। और डाले नमक, हमें नमक खत्म है, मंगाते हैं कल से। थोड़ा और डालिए, ज़्यादा ना होने पाए बस। अब उसको चला दीजिए बढ़िया से, आँच को करिए बिल्कुल स्लो। ओके, हाँ हाँ छिटाए ना जा, आराम आराम से चलाओ बस। अब आँच को कर दीजिए बिल्कुल स्लो, बीच में कर दीजिए सब। एक दिन अपने फेवरेट भूरे बनाएंगे। अब इसको ढकते हैं, अभी आलू नहीं डालेंगे। मसाला ये हमारा पीस के बिल्कुल तैयार है, ज़रा देखें इनकी क्या हालत है। नया नया मेरा मिक्सर है, ये मसाला पीस गया। अब इसको थोड़ा चलाएंगे, मटर मेरी पकने वाली है,
और एक मिनट के लिए और ढकेंगे। एक मिनट ढके हैं, एक मिनट और ढक देंगे तो ये मटर पानी छोड़ने को लगाया। अब मेरी मटर पक के एकदम तैयार है। पंडित जी ये आलू अब डाल दीजिए। अभी बहुत अच्छी नहीं पकी है, पर अब जब मसाला डालेंगे तब पक जाएगी। अब इसके बाद ये जो मसाला पीस के रखे हैं, तेज आंच करके चला दीजिए। नहीं कुपटी है, नहीं अपने आप सब सही हो जाएगा। अब ये डालिए ना मसाला जो पीस के, हरा लहसुन धनिया मिर्चा, बीच में नहीं डालिए, ऐसे ही डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, क्योंकि ये ऐसा कोई मसाला तो है नहीं, हल्दी वगैरह के पकना अनिवार्य है। हाँ ये अब बस चला दीजिए। देखिए एक एक आलू एक एक मटर, देखिए कैसे बोल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा आपका फेवरेट आइटम है, हमारा आपका चना का। इसके बाद ये पूरी, इसके बगल में पूरी। आज सर्दी तो हम लोग झेल गए, एकदम माघ मेला में गए थे, खूब सारा सर्दी लगा एकदम से। अब ये हमारी बस थोड़ी देर में अभी पक जाएगी खूब अच्छे से। हरी धनिया उनिया डाले हैं, मन करेगा हरी धनिया पत्ती गार्निश कर लेंगे या फिर ऐसे सादा रहेगा। अब थोड़ी देर में अभी पक जाएगा, ढक देते हैं खूब अच्छे से। सलोनी अपने आप में बोल रही है बिल्कुल। अब पानी सूखने वाला है और मेरी सलोनी करीब आने वाली है, बहुत मामूली पानी रह गया है। जैसे इस पानी सूख जाएगा सलोनी एकदम नंबर एक की हो जाएगी, क्योंकि उबले आलू के, कच्चे आलू के होती तो आलू पानी सूखता, उबला हुआ आलू तो ऑलरेडी पानी सूख चुका है। तो इसका पानी पूरा सुखाएंगे। मिट्टू मेरे अंदर हैं, बंद हैं तो चिल्ला रहे हैं कहाँ हैं सब। तो भैया हमार सलोनी तैयार है, हरा धनिया काट के डाल दे, अब चलाए देते ही फर्स्ट क्लास बिल्कुल सलोनी तैयार है। जिसे खाना हो वो आ जाए। वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, एकदम हरा हरा धनिया लहसुन मिर्च सबकी खुशबू आ रही है। ये गर्मा गर्म सलोनी, ये आलू शिमला मिर्ची की क्रिस्पी क्रिस्पी सब्जी, और ये हमारी मेथी नमक मसाला सब्जी, और इसके बाद में कस्तूरी मेथी रिफाइंड डाला हुआ पूड़ी, मोयन दिया हुआ पूड़ी, और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट टेस्ट में रेडी है। तो जिसे जिसे खाना हो वो आ सकता है।